एबीवीपी के विभाग संयोजक ने युवकों के साथ मिलकर लगाई थी छात्रों की पिटाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी 9 न्यूज। बरेली कॉलेज में दो छात्रों से हुई मारपीट में शामिल 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इसमें से एक एबीवीपी का विभाग संयोजक है, वहीं बाकी के 4 उसके साथी हैं। वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। इसमें कई छात्रों और शिक्षकों ने पुलिस को पहचान से जुड़े रिकॉर्ड सौंपे। पुलिस ने आरोपियों का शांति भंग में चालान कर दिया और 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। 1 मिनट के इस वीडियो में दर्जन भर छात्र 2 युवकों को जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटे हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन के अफसरों के संज्ञान में मामला आया और बरेली कॉलेज की चीफ प्रैक्टर ने अज्ञात के खिलाफ बारादरी थाने में तहरीर दी। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कई दिन से पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी हुई थी। रविवार को तमाम सबूतों के आधार पर पुलिस ने एबीवीपी के विभाग संयोजक योगेश शर्मा के अलावा विवेक कुमार सिंह, दीपक वर्मा, राहुल और निखिल राजपूत को गिरफ्तार कर लिया तथा शांति भंग में उनका चालान कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में लड़की के चक्कर में आरोपियों ने 2 युवकों की बुरी तरह से पिटाई की थी। अब कॉलेज प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। इंस्पेक्टर बारादरी सीतानु शर्मा ने बताया कि वीडियो में मारपीट की बात सामने आई है। आरोपियों का शांति भंग में चालान कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल एबीपी 9 न्यूज। हर खबर आप तक।